हाँ, बिग बॉस सीजन 18 में जाने से पहले गुम है किसी के प्यार में शो की इस लीड एक्ट्रेस ने रखी है 3 बड़ी शर्त। सलमान खान के इस रियलिटी शो में जाने से पहले आयशा सिंह ने बोली है बड़ी बात, तो इस वीडियो के साथ आप भी बनी रहिए अंत तक। दोस्तों, इस बार का सीजन बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने के साथ साथ बिग बॉस में टेलीविजन के कुछ बड़े नाम भी नज़र आने वाले हैं। फिर चाहे वो निया शर्मा हो, चाहे वो धीरज दोपहर हो या फिर आयशा सिंह, इस बार के सीजन में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो शर्त रखा है वो आयशा सिंह ने रखा है। गुम है किसी के प्यार में शो के लीड एक्ट्रेस की तरफ से रखे गए हैं मेकर्स के सामने ये 3 बड़ी शर्तें, जिसके चलते आयशा सिंह जो है वो बिग बॉस सीजन 18 में जाने को तैयार हैं। दरअसल आयशा सिंह की सबसे बड़ी शर्त है कि वो हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बनना चाहती हैं, और जाहिर सी बात है अगर आयशा सिंह इस शो को ज्वाइन करती हैं तो निया शर्मा को सेकेंड पोजिशन मिलेगी। निया शर्मा और धीरज दोपहर में कांटे की टक्कर थी कि आखिर कौन होगा मोस्ट हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, लेकिन इस लिस्ट में आयशा सिंह का नाम सबसे पहले है, क्योंकि आयशा सिंह ने पहले ही शर्त रख दी है। उनकी जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है, आयशा सिंह को इस साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बनाएंगे तभी वो इस शो को ज्वाइन करेंगी। दूसरी है ये बड़ी शर्त जिसने बिग बॉस को मजबूर कर दिया है आयशा सिंह को इस शो में लाने को। आयशा सिंह ने बिग बॉस के प्रीवियस सीजन यानी कि सीजन 17 में ये शर्त रखी थी कि गुम है किसी के प्यार में शो का कोई भी एक्टर अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है आयशा सिंह इस शो को ज्वाइन नहीं करेंगी। आयशा को बिग बॉस सीजन 17 का भी ऑफर था, लेकिन नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की वजह से आयशा ने इस शो को रिजेक्ट किया था। और इस बार के सीजन में आयशा सिंह का कहना है कि वो गुम के किसी भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस के अलावा ही इस शो को ज्वाइन करेंगी, यानी कि साफ है कि वो किसी भी तरीके से अपने दोस्तों से रिवाइलरी नहीं चाहती हैं, जिसके चलते आयशा सिंह ने मेकर्स के सामने ये बड़ी शर्त रखी है। तीसरी है ये बड़ी शर्त जिसने एक बार बिग बॉस के फैंस को कर दिया है खुश, आयशा सिंह का होने जा रहा है सबसे बड़ा कमबैक। दरअसल बिग बॉस सीजन 18 का पहला टीजर आ चुका है, इस बार का जो सीजन है वो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट पे होगा, पूरी तरह से टाइम ट्रेवल पर बेस्ड होने वाला है। लेकिन आयशा सिंह की तरफ से एक बड़ी शर्त रखी गई है कि किसी भी तरह से जो भी मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ था, जो भी उनके साथ प्रीवियस सीजन में हुआ था, ये आयशा सिंह के साथ ना हो, जो हो वो बिल्कुल फेयर गेम हो, वोटिंग के आधार पर मेकर्स विनर को चूज करे, फैन फॉलोइंग के बेसिस पर ना चूज किया जाए, काम के आधार पर चूज किया जाए। और जाहिर सी बात है मेकर्स अगर ये सारी शर्तें मान लेते हैं तो आयशा सिंह बिग बॉस सीजन 18 में जरूर नजर आ सकती हैं। फिलहाल के लिए तो निया शर्मा, धीरज दोपहर का नाम कंफर्म है, लेकिन अब तक आयशा सिंह ने किसी भी तरह से कंफर्मेशन नहीं दिया है कि क्या वो वाकई में बिग बॉस को ज्वाइन कर रही हैं या फिर इस बार का सीजन भी आयशा सिंह करने जा रही हैं रिजेक्ट। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी आयशा को देखना चाहोगे बिग बॉस के घर में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।